संत हरि पब्लिक स्कूल मणिमाजरा ने कलाग्राम में स्कूल का वार्षिकोत्सव जश्न महोत्सव 2022 बड़े ही धूमधाम से मनाया। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत गीत संगीत नृत्य और कला के द्वारा मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। संत हरि पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव 2022 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रेवा के प्रधान एवं समाज सेवी वीपी कपिल ने दीप प्रज्वलित कर प्रोग्राम की शुरुआत की। सबसे पहले सरस्वती वंदना एवं स्वागतम गीत के साथ स्कूल के वार्षिकोत्सव महोत्सव की शुरुआत हुई। नन्हे मुन्ने बच्चों की भारतीय सेना के जवानों पर प्रस्तुति देकर सभी का मन मोहा। संत हरि पब्लिक स्कूल के संस्थापक अंतरजोत सिंह ने मुख्य अतिथि वीपी कपिल और विशेष अतिथि गोविंद परवाना को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सीनियर विंग के छात्रों ने शिक्षा के फायदे बताते हुए नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया। मुख्य अतिथि वीपी कपिल ने सभी प्रतिभागी बच्चों की हौसला अफजाई की और स्कूल के स्टाफ व प्रिंसिपल को इस सफल जश्न महोत्सव 2022 के आयोजन की बधाई दी। स्कूल के संस्थापक अंतरजोत सिंह ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल के द्वारा बच्चों को दी जा रही सेवाओं के बारे में बताया। इस मौके पर समाज सेवी मनोज शुक्ला और स्कूल प्रबंधन मौजूद रहे। देखें चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। समाज में अपनी सोच को भी और अपने साथियों को भी। इसके बाद हमारे बीच में अजीत झा जी, इन्होंने भी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। ये मेरे एक तरह से स्टूडेंट भी रहे हैं पीछे गाइडेंस के मामले में, तो आज बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर अपना खुद का न्यूज चैनल खबर इंडिया के नाम से यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो, खबर इंडिया के नाम से अपना न्यूज चैनल बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं। बाकी आए हुए और भी पेरेंट्स बुद्धराम सिंह जी, हरियाणा मार्बल स्टोर, द बेस्ट इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट्स एंड टाइल्स, स्पेशलिस्ट इन इटालियन मार्बल, कटनी मार्बल, ऑल इंडियन एंड इंपोर्टेड ग्रेनाइट्स, हरियाणा मार्बल स्टोर, मार्बल मार्केट, सारंगपुर, चंडीगढ़। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 9888432636, 9988188801। संत हरि पब्लिक स्कूल द्वारा आज चंडीगढ़ के कलाग्राम में जश्न उत्सव का आयोजन किया और हर साल की तरह एनुअल फंक्शन भी किया जाता है और आज एनुअल फंक्शन ही किया गया जिसका नाम रखा गया जश्न उत्सव। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल एवं डायरेक्टर अंतरजोत सिंह जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों ने जो है अपनी प्रस्तुति दी है? देखो, पिछले 3-4 सालों से आपने जो माहौल देखा है कि कोरोना की वजह से बच्चों का जो सारा सिस्टम एजुकेशन का और कल्चरल एक्टिविटीज़ का और गेम्स का ये सारा डिस्टर्ब हो रखा था, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग बच्चों को मतलब समाज में हर एक क्षेत्र में उनको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएं। तो एजुकेशन में तो हम कोरोना के टाइम में भी पीछे नहीं हटे थे, तो इमीडिएट हमने ऑनलाइन शुरू किया था सारा सिस्टम जैसे सरकार के ऑर्डर्स थे। और इसी के साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को करने के लिए मेरे ख्याल से पूरे चंडीगढ़ में मेरे उम्मीद है कि हमारा ये पहला एनुअल फंक्शन है जिसको हमने त्योहारों के बीच ठीक में सेलिब्रेट किया है विद जश्न उत्सव 2022। तो इसलिए आपने देखा है यहाँ प्रोग्राम में कि किस ढंग से बच्चों ने बहुत ही अच्छे उत्साह के साथ इस प्रोग्राम को किया है, जिसमें हमारे स्कूल के टीचर साहिबान का, स्टाफ का और पूरी टीम का पूरा ही सहयोग रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप फॉरेन कंट्री रहते हैं और ऐसे में आप स्कूल मैनेजमेंट कैसे देखते हैं इंडिया में? फॉरेन एक्चुअली मैं पिछले 5 साल से वहाँ पे हूँ, तो यहाँ पर मतलब एक तो शुक्ला सर मेरे बच्चे के समान भी है, छोटे भाई के समान भी है, बाकी हमारी पूरी टीम यहाँ पे वर्क करती है। बाकी आपको पता है कि ऑनलाइन इंटरनेट का युग है, तो कैमरास और व्हाट्सएप ऑनलाइन सिस्टम के साथ मैं पूरा स्कूल को जो मैनेज करने की कोशिश करता हूँ और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कुछ मीडिया के थ्रू लाइक ऑनलाइन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास, व्हाट्सएप और कुछ अपने शुक्ला सर जी, मनोज शुक्ला जी जो हमारे साथ पिछले काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, इनके सहयोग से हमें मिलती आ रही है। शुक्ला जी, क्या कहेंगे आज के एनुअल फंक्शन के उस पर? आप यहाँ पे टीचर भी हैं। सबसे पहले मैं सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूँ। संत हरि पब्लिक स्कूल मणिमाजरा की तरफ से दीपोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आज बहुत ही शानदार तरीके से जो बच्चों ने प्रस्तुति दी वो संत हरि पब्लिक स्कूल कोरोना के बाद इस प्रकार का जो आयोजन जो कर रहा है वो वाकई काबिली तारीफ है। यहाँ के टीचरों ने, यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के डायरेक्टर सर ने, अंतरजोत जी ने, मेरे को याद है वो वाक्य जब कोरोना का पीरियड था तब हमारी चर्चा हुई थी सर से कि सर देखिए सर, लोग इस समय आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हैं, तो हम उनको क्या सहयोग दे सकते हैं। सर ने तुरंत विद इन ए सेकेंड ही सर ने कहा
कि हम एडमिशन फीस इस बार नहीं लेंगे और ये सबसे बड़ा कदम रहा स्कूल का और मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में इस तरह का फैसला किसी ने नहीं लिया था। ये थे अंतरजोत सिंह जी जो कि प्रिंसिपल हैं और मनोज शुक्ला जी जो कि इसमें अध्यापक हैं स्कूल में, और कोरोना काल के बाद जो है ये शायद पहला कार्यक्रम है इनका और बड़ा ही शानदार प्रोग्राम रहा आज का। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।